नाउ स्टूडेंट एक्सरसाइज का 6.12 स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 6 एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सेकेंड विद द काइनेटिक एनर्जी 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब पहला कौन है इलेक्ट्रॉन, सो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में. विच इज फास्टर द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, कौन किसकी स्पीड ज्यादा है वो आपको फाइंड करना है. ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, उनकी स्पीड का रेशियो भी आपको फाइंड करना है. हम लोग रेशियो में VE अपॉन VP फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड अपॉन प्रोटॉन की स्पीड फाइंड करेंगे. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻³⁻ किलोग्राम एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम. वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.60 × 10⁻¹⁹ जूल. काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय के इज इक्वल्स टू 1.5 mv². So for electron it is Ke and is given by 1.5 mev² and for proton it is Kp and 1.5 mpvp². So I will take their ratios for equation 1 and 2. Taking ratio of equation 1 and 2. So Ke upon Kp is equals to 1/2 mev² divide by 1/2 mpvp². So that Ke upon Kp is equals to mev² क्योंकि 1/2 को मैंने कट कर दिया mpvp². So here I will write Ve upon Vp square में निकाल देता हूँ तो सामने root हो जाएगा Ke mp divide by KpMe और उसका रूट. सो नाउ आई विल पुट ऑल द वैल्यूज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आई विल पुट इट इन इलेक्ट्रॉन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिकॉज Ke बाय Kp सो इन रेशियो इट विल बी कैंसल सो आई विल नॉट कन्वर्ट द Ke एंड Kp इन जूल. सो इट इज 10 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 × 10⁻²⁷ divide by Kp means 100 and 9.1 × 10⁻³⁻ is the mass of electron. Okay, now taking the ratio we will get Ve by Vp I will get 13.5. So velocity of electron is 13.5 times more than velocity of proton. Okay, so electron is faster than proton. Okay, so thank you.